press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फिलहाल तो कोई नहीं है हमारे पास था एक्चुअली मेरे कज़िन के पास था जो मेरा ही था लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेम्पर पास्ट हुए टू डेज बैक बट या फिलहाल तो नहीं है जी. एक्चुअली मैं शायद लेने वाला हूँ अभी हम घूम रहे वी आर गोइंग टू टेक वन व्हेवर शी लाइक्स. बहुत एक्साइटेड हूँ यार पूरी दुनिया एक्साइटेड है दबंग 3 के लिए तो मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ. और मैंने देखी है बहुत अच्छी पिक्चर मतलब ज़्यादातर देखी है. हाँ जी क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? एक एक्शन फिल्म है उसके बारे में ज़्यादा भी बात नहीं कर सकता लेकिन होपफुली ये महीने या मैक्सिमम नेक्स्ट महीने में अनाउंस हो जाएगी. जी सर हैदराबाद के केस में जिस तरीके से उनको इंसाफ मिला जस्टिस मिला क्या वो तरीका सही था? फैंटास्टिक मतलब जो मारा करेक्ट था लेकिन अगर मैं होता थोड़ा और तड़पा तड़पा के मारता. सर जो उन्नाव में हुआ है अभी हाल फिलहाल में उन्नाव में भी ये केस हुआ है जिनको जला के 90% वो ये घायल हो चुकी थी और कल रात में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. आप क्या कहेंगे उनको किस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए? आई थिंक द सेम ना आई थिंक द जस्टिस वाज सर्व्ड इन हैदराबाद इट शुड बी डन द सेम वे ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ एनीवन ट्रीट्स अ वुमन लाइक दैट दे डिजर्व इट एंड दे डिजर्व मच वर्स. I've had lots of pets, but I've never had a dog or a cat. I've always had turtles, fish. I've always had turtles and fish and birds. But yeah, but I've always had my cousins and all who had dogs and cats. Who was gone playing with, played with. मैं एक मेरे कज़िन का जो जिसका मैंने कहा पास्ट अवे पेपर देयर डॉग आई टू टेक हिम फॉर रन एवरी मॉर्निंग तो मुझे बड़ा मज़ा आता था ऐसे हाई स्पीड ऐसे माइंड में ऐसे लग रहा था हम हाई स्पीड में भाग रहे हैं मैं और पेपर बीच पे तो या दैट्स आई थिंक वन माय क्लोजेस्ट मेमोरीज ऑफ मी एंड पेपर. यस ऑफ कोर्स सो आई थिंक ओ यस वन एंड अदर मेमोरीज आई हैव इज विद सेंटू. So Saint, not Saint too. Subhai's pet it was, and he also unfortunately passed away a year and a half, 2 years back. But I think that's the first. It was literally like my brother. We were so close, and he was with us all the time. So even when we were traveling for shoot, when I was assisting, he was always there. So yeah, so I really miss him. मैं इतनी गाली दे नहीं पाऊँगा इस पोर्टल पे लेकिन आप समझ चुके हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं और नेक्स्ट टाइम ना कोई दिखे ना जो एनिमल को क्रूल है उसको भी दो फटके लगा दो. मेरा तो मन करता है मैं किसी को देख लूँ ऐसे एनिमल को मिस्ट्रीट करते हुए दे देना चाहिए पता चलेगा ना कि एनिमल कैसा फील होता है. थैंक यू सो मच.
सबसे पहले अगर आपकी अगर बात करिए तो मतलब आपको एनिमल, आप कितने एनिमल पर्सन हैं? आपकी आई एम अ ह्यूज एनिमल पर्सन यार, मतलब माय सिस्टर श्रद्धा हैज अ डॉग एंड ही इज़ लाइक माय डॉग ओनली, यू नो, बिकॉज वी स्टे अप एंड डाउन. तो ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव माय ओन डॉग, बट आई एम अ वेरी बिग एनिमल लवर एंड वेरेवर आई सी अ डॉग ना और वेरेवर आई सी अ कैट आई ऑलवेज स्टॉप, आई ऑलवेज गो पेट, आई ऑलवेज लाइक टू इंटरेक्ट विद देम बिकॉज यू नो द लव and that that emotion that you get from an animal you don't get from anybody else, you know, it's so it's so pure, so it's very exciting. koi aapke koi aise koi animals ko leke ya koi dogs ko leke koi aise memory hai jo aap batana chahenge, share karna chahenge? Like a matlab main samjha nahi. koi animals ko leke koi aise koi dogs ko leke koi aapko memories ho jo apne memories? memories to kafi sari hai because you know playing with the dog, matlab wo jo ball phek ke fir wo wapas aake leke aata hai, so all that I've always done. But for me, just catching like my dog, Shraddha's dog, just catching, So just catching that dog and, you know, basically playing around, that's the most special thing for me. So there's no particular memory, but yeah, I just love dogs. Yeah. Do you have any pet like as a dog? Pardon? Do you have a pet dog? No, I don't have a pet, but because my sister has a pet, it's like I have a pet. So you know, she stays up, so it's like the same thing. आपने इसको देखा तो adopt करने का भी any plan रहा थे? काफ़ी सारे हैं बट आई हैव टू ऑब्वियसली गेट माय पेरेंट्स इनटू द पिक्चर एज वेल बिकॉज इफ आई जस्ट गो होम विद अ डॉग दे शुडन बी लाइक ये क्या हो गया यू नो सो आई हैव टू गेट देम इन्वॉल्व एज वेल थैंक यू सो मच एक्साइटमेंट तो बहुत है लेकिन मैं एक्चुअली शब्दों में जाहिर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि इट इज़ माई फर्स्ट फिल्म यू नो और एवरीथिंग इज़ द फर्स्ट जैसे मतलब फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ है अभी पहला गाना निकला है और अभी ट्रेलर भी आउट हुआ है तो रिस्पॉन्स अच्छा है और सब लोग की दुआएं हैं विच आई रियली अप्रिशिएट और बस ऐसे ही सब निकले सब कुशल मंगल ही हो यही मेरा मतलब चाह है विद अक्षय सर आई कांट रियली पुट इनटू वर्ड्स बिकॉज यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क and he's a great great actor and after working with him I kind of fell in love with the human being he is because I didn't know him personally so other than that I would like to add that he made me feel really special really like at ease comfortable karwaya kyunki my first scene with him was you know matlab butterflies ho rahe the ki matlab obviously Akshay Khanna ke samne mera pehla scene hai to kya hoga but he made me feel at ease comfortable karwaya and from then it's been just smooth sailing aur bahut maza aaya No, but that's what he's actually not. He's so funny. He's so sweet. And he's a very heartwarming person. So you know, I really, really enjoyed working with him. Really helped you all, matlab. Yes, definitely. Thank you. Thank you so much. Thank you.